हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं और इसमें जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो क्लास नाइन्थ का लेसन सेकंड टिश्यू है, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिया है। आज उस टॉपिक से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ टिश्यू में आपको मैंने परमानेंट टिश्यू के बारे में बताया था और परमानेंट टिश्यू में हम लोग स्टार्ट किए थे सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी बेटा आपको याद होगा हमने पैरेन्काइमा के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो होगा कोलेनकाइमा। तो चलिए हम लोग कोलेनकाइमा के बारे में स्टडी करें। ये क्या होता है कोलेनकाइमा, प्लांट में कहां पर प्रेजेंट होता है और इसका क्या प्लांट में फंक्शन होता है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। इस डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरे टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ रहे हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मैं अगला जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाए, जिससे आप मेरे वीडियो को मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक को अच्छे से देख पाए और समझ पाए। तो इसी आशा के साथ मैं टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं और मेरा जो टॉपिक है आज का फर्स्टली कोलेनकाइमा। चलिए कोलेनकाइमा के बारे में जान लें। कोलेनकाइमा फर्स्टली आप बताओगे इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट मेड अप ऑफ ओवल और इलोंगेटेड सेल्स, ओवल और इलोंगेटेड सेल्स। इट्स सेल is living. Its cells is living. It is cell wall. Its cell wall is thin. Its cell wall is thin, but at the arrangement of cells corner. Cellulose or pectin is deposited. Due to this, no inter cellular space found. Intercellular space found. इसलिए intercellular spaces found नहीं होते हैं। This tissue found in leaf and stem. ये टिश्यू जो होता है लीफ और स्टेम में
फाउंड होता है ये बताएंगे और आगे बताएंगे इट फाउंड जस्ट बिलो ऑफ एपिडर्मिस तो एक बार रिविजन के तौर पे मतलब इसको मैं पढ़कर आपको समझा दे रहा हूँ बेटा। देखिए कहने का मतलब है व्हाट इज पोलन काइमा, तो आप बताओगे इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट इशू, ये जो होता है एक टाइप का सिंपल परमानेंट इशू होता है ये बता लो बेटा। इसके बाद बताओगे इट मेड अप ऑफ ओवल और इलोंगेटेड सेल, ये ओवल और इलोंगेटेड सेल से मेड अप होता है। इसके बाद इसके सेल्स जो होते हैं लिविंग होते हैं, इसके साथ सेल जो वॉल जो होता है वो थिन होता है, लेकिन जहां पर सेल्स अरेंज होते हैं वहां का जो कॉर्नर होता है वहां पर आपका या तो सेलुलोज या पेक्टिन डिपॉजिट होता है, और इनके डिपॉजिट होने से आपका इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं फाउंड होते हैं। और इसके साथ ये प्लांट में कहां पर ये टिश्यू फाउंड होता है, तो आप बताओगे ये टिश्यू फाउंड होता है लीव और स्टेम रीजन में। क्लियर हो गया बेटा, और ये लीव और स्टेम रीजन में जहां फाउंड होता है वो कहां पर, तो एपिडर्मिस जो फर्स्ट लेयर होती है कोई स्टेम या लीव की उसके जस्ट बिलो की जो अपर लेयर होती है आउटर लेयर होती है फर्स्ट लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, और उसके जस्ट बिलो आपका होता है हाइपोडर्मिस, और उस रीजन आपका जो सेल्स फाउंड होता है जो टिश्यू फाउंड होता है वो होता है आपके पोलन काइमा का। क्लियर हो गया बेटा, अब इसके बाद आगे हम जानेंगे इसका फंक्शन, प्लांट में इस टिश्यू का क्या फंक्शन होता है। तो चलिए अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में आपको मैं बता दूं, अगर मान लीजिए कि ये पोलन काइमा के सेल्स हैं, तो पोलन काइमा के सेल्स में देखिए यहाँ पर जो गैपिंग है यहाँ पर आपके सेलुलोज और पेक्टिन डिपॉजिट होते हैं जिससे आपका गैपिंग नहीं होता है। फिगर में आप बता सकते हैं इसका फिगर बेटा पोलन काइमा का। क्लियर हो गया बेटा, तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं फाउंड होते हैं। क्लियर, अब इसके बाद इसका फंक्शन हम लोग जानेंगे कि क्या फंक्शन करता है ये प्लांट में। तो चलिए इसको इरेज कर दिया जाए, इसको इरेज करने के बाद मैं आपको बताऊंगा इसका क्या फंक्शन होता है। तो फंक्शन इट गिव टेंसाइल स्ट्रेंथ टू प्लांट बॉडी इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो बेटा अगर कोई पूछता है कि आपके प्लांट टिश्यू में जो पोलन काइमा होता है इसका क्या फंक्शन होता है बेटा, तो आप बताओगे ये क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है बेटा, अगर आपने देखा होगा लीफ को, ये लीफ है जैसे आप देखते हैं कि विंड जैसे ही ब्लो करता है, मतलब विंड जैसे चलता है तो आपने देखा होगा लीफ जो होता है अप डाउन हिलता रहता है, और ये हिलने की जो पावर होती है ये स्ट्रेचिंग की जो पावर होती है आप देखे होंगे, इस स्ट्रेचिंग की पावर को हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अदरवाइज आपने देखा होगा, आपने स्टेम को भी देखा होगा कर्व होते हुए हवा के
जब हवा तेज चलती है तो आपने देखा होगा अगर कोई प्लांट का स्टेम है तो भी कर्व होता है और उसके बाद फिर सीधा हो जाता है। आपने देखा होगा जब हवा रुकती है तो ऐसे करते हुए वो टूटता नहीं है, तो अगर नहीं टूटता है तो उसमें प्रोटेक्शन करने का जो काम करता है बेटा वो होता है आपका पोलेनकाइमा। तो ये होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट, और दोनों प्रोवाइड करने का भी काम आपका कौन करता है तो आप बताओगे बेटा पोलेनकाइमा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पोलेनकाइमा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसी आशा के साथ अगला स्टार्ट कर रहा हूँ, अगला इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू में, जिसका नेम है स्क्लेरेनकाइमा। तो चलिए स्क्लेरेनकाइमा के बारे में जान लिया जाए। तो ये स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है बेटा, इसको देख लिया जाए। स्क्लेरेनकाइमा तो फर्स्टली आप वही बताओगे जैसे उसमें बताया थे आपने, इट इज आल्सो टाइप ऑफ, इट इज आल्सो टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट मेड अप ऑफ डेड सेल वॉल इज हार्ड एंड थी प्रोटोप्लाज्म इन सेल इज लेस the intercellular space is absent due to presence of lignin at the corner of cells। तो बेटा आप क्या बताओगे इसके बारे में? तो फर्स्टली आप बताओगे बेटा ये भी एक टाइप का आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और ये मेडअप होता है डेड सेल से। अभी तक दोनों जो होते हैं आपके पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा वो लिविंग सेल से मेडअप थे, बट ये किस सेल से मेडअप होता है बेटा? तो ये डेड सेल से मेडअप होता है। और डेड सेल में मतलब आप कहने का मतलब कि सेल वॉल हार्ड होता है, ठीक होता है। और प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बताया अगर सेल लिविंग है तो उसके लिए प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होना चाहिए। अगर सेल डेड है इसका मतलब इसमें प्रोटोप्लाज्म लेस है और अब्सेंट है। तो यही बातें यहाँ पर लिखी गई है कि प्रोटोप्लाज्म सेल में बहुत ही लेस होता है और इस तरीके से सेल डेड होती है। इसके साथ सेल्स के बिटवीन में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होने चाहिए वो भी लेस होते हैं। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर कॉर्नर में क्या प्रेजेंट होता है, क्या डिपॉजिट होता है बेटा? लिग्निन। जैसे वहां सेलुलोजा पेक्टिन था, यहां पर क्या होता है? लिग्निन होता है। तो ये आप बता लोगे। इसके साथ दी सेल्स आर ओवल और इलॉन्गेटेड एंड फ्लैटेड
सेल्स होते हैं वो बहुत ही कम ओवल होते हैं, बट मोस्टली जो होते हैं बेटा वो इलोंगेटेड होते हैं, और इलोंगेटेड होने के साथ क्या होते हैं बेटा, फ्लैटेड होते हैं। तो आप याद रखोगे मोस्टली इलोंगेटेड, मैं कह रहा हूं ना मोस्टली क्या होते हैं इलोंगेटेड, लेस जो होते हैं ओवल होते हैं, ये आप बताओगे। और इसके साथ इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस फाउंड नहीं होते हैं, ये भी आप क्लियरली बताओगे, आपके बुक में दिया गया है, ठीक है बेटा। अब इसके साथ अगर मान लो एक इलोंगेटेड सेल्स का ही हम लोग स्ट्रक्चर बनाकर स्टडी करें तो हमें देखने को मिलेगा, हमें ये देखने को मिलेगा कि जो गैपिंग होता है, देखिए अगर ये सेल्स हैं तो इनके बिटवीन में इलोंगेटेड सेल्स हैं, तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं ये नहीं होते हैं, क्योंकि तो यहाँ पर आपका अभी मैंने बताया है क्या होता है प्रेजेंट बेटा, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका लिग्निन, तो ये आप बताओगे लिग्निन प्रेजेंट होता है, लिग्निन ये आप बता दोगे बेटा। और ये जो है ये पूरा फिगर है किसका बेटा, फिगर है स्क्लेरेंटाइला, तो इस तरीके से आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट होता है, सॉरी थोड़ा सा इसका फंक्शन बता लिया जाए उसके बाद कंप्लीट होगा, तो इसका क्या फंक्शन होता है चलिए हम लोग जान लें, तो फंक्शन क्लियरली हम लोग जान लेंगे। फंक्शन इट मेन फंक्शन, इट मेन फंक्शन फंक्शन इज प्रोवाइड, इज प्रोवाइड मैकेनिकल, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर आप पूछोगे एग्जांपल में कहाँ फाउंड होता है तो आप बताओगे रूट्स, जो आप देखते हो प्लांट में जो रूट्स होता है वो किस टिश्यू से बना होता है, आपने नारियल रूट्स देखा होगा, कोकोनट रूट्स देखा होगा, कोकोनट के फाइबर से जो रूट्स बनता है वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो आप बताओगे बेटा स्क्लेरेंटाइला प्रेजेंट होता है। इसके बाद आपने जो जो ग्राउंडनट, ग्राउंडनट भी देखा होगा, ग्राउंड ग्राउंडनट उसमें भी जो उसका बार्क होता है कवरिंग होती है, अपर कवरिंग जो होती है उसमें भी आपने फाइबर देखा होगा, वो भी सब आपका बना होता है किससे, तो बना होता है आपके स्क्लेरेंटाइला से। इसके बाद नट सेल, नट सेल नट जो होता है उसकी जो कवरिंग होती है उसमें भी आपका कौन प्रेजेंट होता है, तो वहां भी आपका प्रेजेंट होता है स्क्लेरेंटाइला। तो इस तरीके से स्क्लेरेंटाइला डिफरेंट प्लेसेस में प्रेजेंट होता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम करता है, ये सब होता है, मतलब जहां भी होगा वहां का प्लेस हार्ड होता है, ये आपका काम होता है किसका, स्क्लेरेंटाइला का। तो इस तरीके से आपका स्क्लेरेंटाइला कंप्लीट होता है, और आज ही आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू भी कंप्लीट हो गया। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया वो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो लेक्चर को फिनिश कर रहा हूं, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।